समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए चांदनी चौक लोकसभा का मैं प्रभारी हूँ। मेरी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। सोती हुई कौमों को जगाने वाले हमारे साहेब मान्यवर कांशीराम जी के चरणों में शत शत नमन है और हम उनके मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। हमने साहब के साथ रह करके बहुत कुछ सीखा है। मेरे पढ़े लिखे समाज से मेरा अनुरोध है कि पढ़ा लिखा समाज आगे आकर के अपनी जिम्मेदारी निभाए और जो अपना समाज है उनको जगाने का काम करें। हमारे जो हक अधिकार है उनके लिए संघर्ष किया जा रहा है। सबको मैं बताती हूँ कि आज जो दिन है, आज हमारे बहुजन नायक जो मान्यवर कांशीराम साहब हैं, आज उनका 13वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आज उनकी जाने की कमी तो खल रही है, पर लेकिन उनके जो किए हुए काम हैं वो हमें बहुत प्रेरित कर रहे हैं। और उनके जो मिशन मूवमेंट वो छोड़ के गए थे, आज बदस्तूर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जन्मदिन है, इस अवसर पे हम पुण्यतिथि पे ये कहना चाहती हूँ कि अब हम बहुत जोरों से तैयारियों पे लग गए हैं। इस बार हमारी सरकार बनेगी नहीं तो हिस्सेदारी जरूर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत जुझारू रूप से लग चुके हैं और इसके लिए अब हमने ब्लू कमर कस ली है। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। मान्यवर साहब का संघर्ष, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, उन्होंने तो इतना कुछ कर दिया हम लोगों के लिए कि साइकिल से यात्रा करते थे, हमें इतना
मतलब घर घर में नेता बना दिया हमको, घर घर में सोती को हम जगा दी और महिलाओं के लिए इतना कुछ करा बाबा साहब ने। और काशीराम साहब अमर रहे, बहन जी अमर रहे। और बस इसी बात को कहते हुए थोड़ा कहना है, ज्यादा सुनो, कि हमारी सरकार में भागीदारी जरूर रहेगी। जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो लोग भटक रहे हैं वो गलत है, अपने मिलजुल के एक हो जाइए। अभी ये मौका है, इस मौके को कैच कर लो, नहीं तो ये अच्छा नहीं है, भटकाओ। इसलिए क्योंकि हम एक ही उसके हुए हैं वंशज, तो एक हो जाइए, भटको मत, ये ठीक नहीं है। कांशीराम साहब की 13वीं पुण्यतिथि पर हम आज उनके प्रेरणा स्थल पर यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। मैं करोलबाग से विधानसभा अध्यक्ष राजीव गौतम साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हुआ हूँ। मेरा कहना ये है कि आज समाज से जो लोग भटके हुए हैं, उन लोगों के पास में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की बहुत ज़्यादा कमी है। जो समाज का आदमी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ जाता है, मैं समझता हूँ वो बहुजन समाज पार्टी के लिए दिल जान से अपना सहयोग करता है, दिन रात बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। और माननीय कांशीराम साहब का जो मुख्य उद्देश्य वो यही था कि बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, इस समाज को एकत्रित करने के लिए घर घर में जाए, हर व्यक्ति तक जाए, हर व्यक्ति तक पहुंचे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
ऐसे चल रही हैं कि उनके जाने के बाद उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रूप से अपनी सरकार भी बनाई थी और उस सरकार के तहत जो काम किए, जो कि मानवर साहब के समय पर जो चर्चाएं होती रहती थी कि हमें जो सरकारी ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है वो हमारी है, तो इस तरीके के माननीय बहन जी ने हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए पट्टे भी कराए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मानवर साहब ने जो बातें उनके सामने उस समय पर चर्चाएँ होती थी, जो भी कार्य वो सोचते थे मात्र बहुजन समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, वो सारे काम बदस्तूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके दिखाए हुए रास्ते पर आज माननीय बहन जी चल रही हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही आज हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है और आज हम देख सकते हैं कि आज हमारी शून्य लोकसभा में कोई सीट नहीं थी, शून्य थे, उसके बाद भी हम माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनने का जो मीडिया में भी नाम आया और सब लोगों ने दावा भी किया कि एकमात्र एक ऐसी ही एक महिला हैं जो कि अपने क्या पीएम के लिए दावेदार हैं। तो ये इससे पता चलता है कि माननीय साहब का जो बनाया हुआ रास्ता है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है और उस पर चलेंगे तो हम भी आगे चल करके हमारा बहुजन समाज भी स्ट्रांग और मजबूत होगा। तन मन से संघर्ष कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। हरियाणा के अंदर चुनाव है, हरियाणा के अंदर हमारी मेरे चांदनी चौक लोकसभा की ड्यूटी लगी है, हम लोग वहां जा रहे हैं चुनाव में। आज प्रेरणा यहां पे प्रेरणा स्थल पर आए थे हम लोग पुष्पांजलि देने के लिए। हम कल ही यहां से चांदनी हरियाणा के लिए हमारी पूरी टीम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की निकल रही है। हम पूरे तन मन से रात दिन वहाँ मेहनत करेंगे और वहाँ हम लोग बैलेंस पावर बनने जा रहे हैं। अब कोशिश है कि हमारे बगैर वहाँ पर किसी की सरकार ना बने और बहुजन समाज पार्टी एक बैलेंस पावर के रूप में निकल करके आए। तो साथियों, मेरा सभी से निवेदन है और जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जाए वहाँ मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब के मिशन को जो माननीय कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया, अब बहन मायावती जी पूरे तन मन से जोर से जो है वो इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है, सभी समाज से अनुरोध है, दलित समाज से, बैकवर्ड समाज से, मुस्लिम समाज से, कि बढ़ चढ़ करके इस मिशन को आगे करें और जो फांसीवादी सरकार गवर्नमेंट बनी हुई है, जो यहाँ अनुशासनहीनता हो रही है, डिसिप्लिन बिगड़ रहा है, विदेशों में हमारे देश की जो है वो बहुत अपमान हो रहा है, सब विदेशी मीडिया से यहाँ बात आ रही है कि यहाँ तानाशाही राज है, यहाँ दलितों पर, मुसलमानों पर और बैकवर्ड पर दमन चक्र चल रहा है और दिखावे की अर्थव्यवस्था को दिखाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रही है, यहाँ बाजार की स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर कांशीराम जी जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके इस मूवमेंट को चलाने आए, साइकिल पे यात्रा गिरे, हजारों किलोमीटर साइकिल यात्रा चला करके एक एक आदमी को समझाए, एक एक आदमी को पकड़ के समझाते थे, तो वो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक चमत्कारी कार्य किया है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं साहब के साथ काम करने का मुझे वक्त मिला। तो साथियों, साहब ने एक एक आदमी को जोड़ करके आज करोड़ों आदमियों का कारवां बन गया है, ये साहब की बहुत बड़ा कार्य रहा। उन्होंने अपना एक सिद्धांत बनाया था, नो प्रॉपर्टी नो फैमिली, और बिल्कुल ये इस चीज़ पर हमेशा आखिरी समय तक डटे रहे। उनका ना कोई बैंक अकाउंट था, ना उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी थी और ना ही उन्होंने कोई परिवार बनाया था, पूरे बहुजन समाज को ही अपना परिवार माने थे और आखिरी तक मानते रहे। यही उनका उन्होंने उतरा उसमें अपना विशेष नामे में लिखा था कि बहुजन समाज ही मेरी जो अंत्येष्टि करेगा वही मेरा परिवार है। तो बहन मायावती जी ने के द्वारा साहब की अंत्येष्टि हुई थी। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।